नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। साफ पानी की फराहमी और तालीमी शोबे की मुश्किलों से दो चार है अपर हुंजा का गुलमित इलाका। मुख्तलिफ मसाइल से परेशान गिलगित बल्तिस्तान के अवाम और श्रीनगर के बादामवारी में सयाहों का जमावड़ा। मुसीबतें और गिलगित बल्तिस्तान का बरसों पुराना रिश्ता है। जब से ये इलाका पाकिस्तान के कब्जे में आया है, मुश्किलों ने इस पूरे इलाके को बुरी तरह जकड़ लिया है। बड़ी सहूलियात फराहम कराना तो बहुत दूर की बात रही, यहां तो ऐसे मामूली मसाइल भी पहाड़ बन जाते हैं जिनका हल बेहद आसानी से निकाला जा सकता है। मिसाल के तौर पर बुनियादी सहूलियात की फराहमी की बात करें तो तकरीबन सभी अजला इसके लिए तरसते हुए दिखाई पड़ जाते हैं, लेकिन अफसोस हुक्मरानों की नजर इन पर नहीं पड़ती या फिर वो जानबूझकर इन्हें अब तक अनदेखा करते आए हैं। साफ पानी की फराहमी और तालीमी शोबे की मुश्किलें ऐसा ही मसला है जिनसे अवाम अभी सबसे ज्यादा जूझ रहे हैं। गुलमित इलाके से पेश है रिपोर्ट। गिलगित बल्तिस्तान में अवाम को बहुत से बुनियादी मसाइल का सामना है, इन्हीं में से एक है पानी का मसला। यहाँ पानी तो बहुत है लेकिन पीने का साफ पानी मिलना बहुत मुश्किल है। इस खित्ते की ज्यादातर आबादी दूर दराज के गाँव में रहती है जहाँ पर अवाम पानी की जरूरत पूरी करने के लिए दरिया और कुदरती चश्मों पर मुनहसर हैं। कुछ दहाई कबल तक ये पानी बेहद साफ सुथरा हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे इसमें आलूदगी आती गई। चीन के बिल्कुल करीब अपर हुंजा में वाके गुलमित एक ऐसी ही जगह है जहां साफ पानी मिलना खासा मुश्किल है, खासकर सर्दियों के दिनों में। चमंगुल, आपको पता है बड़ा मोहल्ला है, यहाँ से तकरीबन कोई 250-300 घराने हैं, तो इनके लिए जो ना सर्दियों में पानी का काफ़ी इशू होता है। सर्दी गर्मियों में तो एक कोई इशू नहीं होता क्योंकि वो नहर से या दूसरे जरिए से जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं। अलबत्ता सर्दियों में यह है कि वहाँ पे जो है ना 4-5 किलोमीटर अंदर से ये पानी को लाया गया है, तो वहाँ पे जो है ना कभी स्लाइड होता है, कभी हेवलॉन जाता है तो ये कट जाता है, तो अभी जाना वहाँ पर मुमकिन नहीं है। भले ही बेशतर इलाकों में सर्दियों का मौसम खत्म हो रहा हो, लेकिन गुलमित में ऐसा नहीं है। काफी ऊंचाई पर वाके होने की वजह से यहाँ सर्दियाँ बनी ही रहती हैं, इसलिए मकामी अवाम को अक्सर इसी तरह पानी पीना पड़ता है। गड्ढों में भरा पानी घर ले जाने और उसे इस्तेमाल करने से अवाम को सेहती मसाइल दरपेश हैं। किसी को किडनी की बीमारी हो गई है तो किसी को लीवर की। ऐसे में अवाम के पास एक ही जरिया बचता है कि वो बोतल बंद पानी खरीद कर इस्तेमाल करें, लेकिन ये महंगा और मुश्किल दोनों ही है। ऐसे में यहाँ वाकई 250 घरों के आगे पीने के पानी का मसला बना ही रहता है। अगर जो इंतजामिया है वो हमें पाइप अगर इसी इमरजेंसी में जो ना हमें दे दे तो जो है ना हम उसको वहाँ नहर से जो है ना वो पानी जो ना ला के ना टंकी में डाल के ना, ये जो इश्यूज है यहाँ पे, इधर सिर्फ जो ना 250 गिराने नहीं है बल्कि यहाँ पे जो ना गवर्नमेंट के इदारे भी हैं तो उनके लिए भी काफ़ी इश्यूज है। तो फिर दोबारा मेरा अर्ज ये है कि इस पर जो ना फिलफौर जो ना हमारा मदद किया जाए, काफ़ी मुश्किल है यहाँ पे। गुलमित में सिर्फ पीने के पानी का ही मसला नहीं है बल्कि यहाँ तालीम की भी खासी दिक्कत है। इस पसमानदा इलाके में स्कूल खोलने की तरफ हुकूमत ने तवज्जो ही नहीं दी। हायर सेकेंडरी या फिर कॉलेज खोलने की बात ही छोड़िए, यहाँ पर तो ढंग से प्राइमरी स्कूल भी नहीं है। फिर भी बच्चों का जुनून और उनके वालदेन की हिम्मत है जो उन्हें पढ़ने के लिए भेजते हैं। बच्चे या तो बाहर खुले आसमान तले पढ़ते हैं जहाँ पर मवेशी बांधे जाते हैं, गाय भैंस के बीच में बैठकर तालीम हासिल करने से ना तो पढ़ने का माहौल रहता है और ना ही पढ़ाने का, या फिर कुछ बच्चों को नज़दीकी इमाम बारगाह में बैठकर पढ़ने की इजाज़त दी जाती है, लेकिन वहाँ भी बेंच कुर्सी मेज़ जैसी सहूलत नहीं है। प्रोजेक्टर और कंप्यूटर लैब तो भूल ही जाइए। बिल्डिंग ना होने की वजह से हम इमाम बारगाह में पढ़ा रहे हैं
और गवर्नमेंट से ये अपील है कि इस जदीद जमाने में बिल्डिंग ना होने की वजह से बच्चे कितने मतलब वो सफर हो रहे हैं। बिल्डिंग ना होने की वजह से हम बहुत से मसाइल से दो चार हैं, कुछ खास तौर पर बच्चे, ना हमारे लिए कोई बोर्ड, ना हमारे लिए कोई कुर्सी। गुलमित इलाके के लड़के तो फिर भी किसी तरह कुछ पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन लड़कियों के आगे काफी मसले हैं। उन्हें तालीम जारी रखनी है तो या तो सोस्त बॉर्डर तक जाना होगा या फिर लोअर हुंजा तक। ना ही रोज आना जाना मुमकिन है और ना ही बाहर रहकर पढ़ना। घर से दूर रहने पर एक तो हिफाजत का मसला है और ऊपर से ये जेब पर एक्स्ट्रा बोझ डालता है। तालीम हासिल करने के अलावा भी यहाँ ख्वातीन की जिंदगी काफी कठिन है। मुश्किल हालात और मर्दों की बालादस्ती वाले माहौल में सर्वाइव करना अपने आप में काफी अहम है। अगर आप दूसरे प्रोविंसेस से आप कंपेयर करें तो जीडी बहुत पीछे है। इस वक्त पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बहुत कम है। इसकी वजह यह है कि अवेयरनेस नहीं है, लोगों में अवेयरनेस की बहुत ज्यादा कमी है और इस फील्ड को एक अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। ये ऐसी फील्ड जब समझी जाती है जो कि सिर्फ मर्दों के लिए, बट ये और पेरेंट्स जो भी है सब यही चाहते हैं कि या तो आपकी बेटी हो, स्पेशली फीमेल हो, तो या तो एक टीचर बने या तो एक डॉक्टर बने। इसके अलावा पॉलिटिक्स में आना इसको एक अच्छी चीज़ नहीं समझी जाती। तो मैंने यही ऑब्जर्व किया कि ख्वातीन के लिए सबसे बेस्ट आई थिंक फील्ड यही है, क्योंकि एक खातून के जो मसले हैं उनको सॉल्व कर सकती है, उनको आगे लेके जा सकती है। कोई मर्द आपके मसलों को आगे लेके नहीं जाएगा। बात सिर्फ गुलमित या फिर अपर हुंजा के दूसरे इलाकों की नहीं है, बल्कि गिलगित बल्तिस्तान में तमाम मकामात ऐसे हैं जहां की दास्तान ऐसी ही है। लोगों को जानते बूझते हुए स्कूल अस्पताल जैसी बुनियादी सहूलियात से महरूम रखा गया है। सबसे बड़ी बात कि आइंदा वक्त में भी आवाम के मसाइल को दूर किया जा सकेगा ये कहना बेहद मुश्किल है, क्योंकि यहाँ की हुकूमत और इंतजामिया आज भी पाकिस्तानी इशारों पर काम कर रही है और उनके पास अवामी मसाइल का मुस्तकबिल में भी अजाला करने को लेकर कोई रोड मैप तैयार नहीं है। यूं तो सारा गिलगित बल्तिस्तान ही पसमांदा है, लेकिन उसमें भी गुलमित जैसे इलाके तो वाकई बेहद पिछड़े हैं। बहरहाल अब चलते हैं जम्मू कश्मीर। यहाँ पर मौसमी बहारा अपने पूरे शबाब पर है। इस दौरान वादी समेत जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ बागों में चारों तरफ सब्जो शादाब मैदान और फूलों से सजे दरख्त ही नजर आते हैं। ऐसे में वादी के बागों को सजाने संवारने में जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से अहम किरदार अदा किया जाता रहा है, जिससे यहाँ आने वाले लोगों को सैरो तफरी में कोई दिक्कत न आए। वादी के तमाम खूबसूरत बाग बगीचों में श्रीनगर का बादाम वारी भी शामिल है, जहां पर इन दिनों मुल्की और बैरूनी ममालिक के सैयाह सैर सपाटे के लिए पहुंच रहे हैं। ये है श्रीनगर का बादाम वारी, जो हरी पर्वत फोर्ट के निचले हिस्से में वाका है। सैकड़ों साल पुरानी इसकी तारीख रकम है। यहाँ इन दिनों मौसम बहारा के बाइस चारों ओर कुदरती खूबसूरती नजर आ रही है। इस बादाम वारी में जहाँ भी नजर डालें तो बादाम के दरख्तों पर सफेद और गुलाबी रंग के फूल ही फूल दिखाई दे रहे हैं। 300 कनाल रकबे में फैले इस बाग की देखरेख के लिए फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट पुरजोर तरीके से कारफरमा है, जिन्हें देखने के लिए बड़ी तादाद में सैयाहों के यहां पहुंचने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। ये बादाम वारी जो है इसका ब्लूम पर आ गई है, 30% के करीब इसमें ब्लूम अभी आया हुआ है। अगले कुछ दिनों में 100% ब्लूम इसका हो जाएगा। इट्स ए हिस्टोरिकल गार्डन, कम से कम इसका 300-400 साल का तो इसका रिकॉर्डेड हिस्ट्री में मेंशन है। ऐसा माना जाता है कि वादी में सबसे पहले बादाम के दरख्तों में फूल आते हैं। ये सिलसिला आइंदा 20-25 दिनों तक जारी रहता है। बादाम वारी में मौजूद बादाम के पेड़ इन फूलों से सजे नजर आ रहे हैं।
जहां सैयाह न सिर्फ सैर व सियाहत का लुत्फ उठा रहे हैं बल्कि इस पुरसुकून फिजा में अपनों के साथ बिताए लम्हों को यादगार बनाने के लिए जमकर फोटोग्राफी भी करते नजर आ रहे हैं। सब्जो शादाब मैदान के बीच फूलों की महक से सराबोर फिजा में मकामी लोगों के साथ साथ पूरे मुल्क के सैयाह भी पुरसुकून वक्त बिताने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। बहुत अच्छा है, इट्स रियली पीसफुल एंड कामिंग। आई गेस सबको आना चाहिए एक बार, तो फर्स्ट टाइम विटनेस किया है कि आमंड कैसे ग्रो करता है, इट्स रियली नाइस। बादाम वारी की खूबसूरती बढ़ाने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ फ्लोरिकल्चर की जानिब से कई ठोस इकदाम किए जाते रहे हैं। बागबानी महकमे की कोशिशों का ही नतीजा है कि वादी के मुख्तलिफ बागात में शुमार बादाम वारी अब दुनिया के सियाहती नक्शे पर अपनी अलग पहचान बनाती दिख रही है। शायद यही वजह है कि मकामी सयाहों के साथ फॉरेन टूरिस्ट भी वादी के दीगर खूबसूरत बागात की तरह ही यहाँ भी सैर सपाटा करना पसंद कर रहे हैं। Quite new for us to be introduced to Badam Valley, to bring the tours here, because usually the usual is like Mughal Gardens and different, but because of the spring, I think Badam Valley, the badam bloom first before the other flowers, so it's a very good advantage for the tourism to come here. जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ सियाहती मकामात में साल भर टूरिस्टों का तांता लगा रहता है, लेकिन मौसम बहारा के दौरान यहाँ के बागात की कुदरती खूबसूरती काफी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से कुदरत के मनाजिर को देखने व चाहने वालों की आमद से यहाँ की रौनकें बढ़ गई हैं। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है, तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। शेर नादिर शाही ने ट्वीट किया है कि गिलगित बल्तिस्तान में तहरीक बेदारी की जानिब से सेमिनार का अहतमाम किया गया, इसमें कुछ बुनियादी और जरूरी मुद्दों पर बहस की गई। स्टेट सब्जेक्ट को पहले ही खत्म कर दिया गया है। पाकिस्तान से इंपोर्ट की गई सियासी पार्टियां आवाम को तकसीम कर रही हैं। जमीनें हथियाना गैर कानूनी तरीकों से लीज पाकिस्तान के कारोबारियों को दिया जा रहा है। एटीए और शेड्यूल फॉर मकामी आवाम पर थोपा जा रहा है। प्रोफेसर सज्जाद रजा ने ट्वीट किया है कि आरिफ शाहिद पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पहले ऐसे रहनुमा थे जिन्होंने पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ पुरअमन सियासी सरगर्मियां चलाई और अवाम को इस बात से बेदार किया कि पाकिस्तान ही हमारा वाहिद दुश्मन है। ये बेहद शर्मनाक है कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट हमेशा जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक की बात करता है, लेकिन अपने काबिज इलाकों में अपने खिलाफ कोई भी पुरअमन सियासी आवाज बर्दाश्त नहीं करता। पाकिस्तान ने सोचा था कि आरिफ शाहिद को मारकर वो आजादी की जद्दोजहद दबा देगा, लेकिन हमारा आंदोलन दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा है। हम आरिफ शाहिद की जद्दोजहद को कभी कम नहीं होने देंगे। शाफिका सोहराब ने ट्वीट किया है कि गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत जमीनों और चारागाहों को बेचने की नाकाम कोशिशें करने के बाद लैंड रिफॉर्म बिल के जरिए जमीनें हथियाने की कोशिशें कर रही है। इन्फॉर्मेशन एंड पीआर कुलगाम ने ट्वीट किया है कि डीडीसी कुलगाम ने 2023 के इंटरनेशनल डे फॉर फॉरेस्ट को मनाने के सारे इंतजाम का जायजा लिया। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ट्वीट किया है कि डीसी श्रीनगर ने बाबा डैम में 700 साल पुराने मंगलेश्वर भैरव मंदिर के तामीराती कामों का जायजा लिया। उन्होंने अफसरों को इसके तामीरी काम में तेजी लाने की हिदायत दी। जिंदादिल कश्मीर ने ट्वीट किया है कि अनंतनाग का 8वीं सदी का मारतंड सूर्य मंदिर तारीखी फनो सकाफत का बेजोड़ नमूना है। आइए अब एक नजर डालते हैं हालिया रोज पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स में नश्र की जा रही झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में खवातीन बदस्तूर भारतीय फौजियों के मुजालिम का शिकार हैं। आंखों पर लगे ऐनक पर धूल जमी हो तो सब कुछ धुंधला ही नजर आता है, ऐसा ही कुछ पाकिस्तान के साथ हो रहा है। पाकिस्तान के पीटीवी नामी ऐनक पर
मुनाफरत की धूल कुछ इस कदर छाई हुई है कि उसे भारत में सब कुछ उल्टा ही नजर आता है। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में खवातीन को बढ़ावा देने के लिए सिविल इंतजामिया के साथ हिफाजती अमला मुश्तरका तौर पर कार फरमा है। यहाँ पर इनकी फलाऊ बहबूदी के लिए ऐसा माहौल तैयार किया जा रहा है कि मकामी खवातीन अपने मनपसंद शोबों में कामयाब हो रही हैं, जबकि पाकिस्तान के बड़बोले चैनल पीटीवी तो बस नाहक ही मकामी खवातीन को जुल्म सितम का शिकार बतलाने में लगा हुआ है। बरसा बरस से गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान की गुलामी में जकड़ा हुआ है। इस पर अपना कब्जा बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान की जानिब से जमहूरी निजाम चलाने का दिखावा किया जाता रहा है। यहाँ पर कायम नाअहल डेमोक्रेटिक सेटअप के जरिए अवाम की ख्वाहिशात के साथ घिनौना मजाक किया गया है। लोगों को परेशान करने के लिए रह रहकर सियासी शगुफे छोड़े जाते रहे हैं, जबकि गिलगित बल्तिस्तान की अवाम अपने ही दरपेश मसाइल में उलझी हुई है। इतने बरस बीत जाने के बावजूद भी यहाँ ना ही तामीर और तरक्की के काम किए गए हैं और ना ही इलाका मकीनों के मसले मसाइल का अजाला हुआ है। यहाँ बेयारों मददगार लोगों का कोई पुरसान हाल नहीं है। हुक्मरानों की बेहिसी के बाइस यहाँ आबादी का बड़ा हिस्सा अब फाका कशी पर मजबूर है। ऐसे में मकामी लोगों का गुस्सा सियासी रहनुमाओं के खिलाफ जाहिर हो जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नए पाकिस्तान के तराने और सियासी लहर के साथ गिलगित बल्तिस्तान के इख्तदार पर आए वजीर आला खालिद खुर्शीद मकामी अवाम की उम्मीदों पर नाकामयाब साबित हुए हैं। दो साल से ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद भी गद्दी नशी खालिद अवाम के साथ पूरी तरह से जुड़ नहीं पाए हैं। मकामी अवाम के मसाइल बद से बदतर बन चुके हैं और इख्तदार में बैठे सियासतदान अपने जाती मफादात पूरे करने में लगे हुए हैं। गिलगित बल्तिस्तान में आप हालात आपके सामने है कि इस वक्त हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है। जंगल का माहौल है गिलगित बल्तिस्तान में, हर तरफ अफरा तफरी फैली हुई है। गिलगित बल्तिस्तान के हिस्ट्री में इस तरह के बेहिस हुक्मरान नहीं आए थे, सब यहाँ हलकों से गायब हैं। पाकिस्तान की तरफ से गिलगित बल्तिस्तान में जानबूझकर ऐसा ढीला निजाम कयाम में लाया गया है जो मकामी लीडरान के जरिए नहीं बल्कि पाकिस्तान और उसकी ब्यूरोक्रेसी के मातहत चलाया जा सके। नतीजतन आज यहाँ के अवाम दाने दाने के लिए इस्लामाबाद से दी जाने वाली माली इमदाद और सब्सिडी लेने पर मजबूर हैं। यहाँ लोगों को बड़े बड़े सहूलियात की दस्तयाबी की बात कौन कहे, हुक्मरानों के इशारों पर गंदम पर मिलने वाली सब्सिडी ही खत्म कर दी गई है और आटे का मस्नूई बुहरान पैदा कर दिया गया है। बल्तिस्तान में ना यहाँ कोई बिजली है, ना यहाँ कोई गंदम है, बिल्कुल लावा का लावा बिगड़ गया है और चंद ब्यूरोक्रेसी और हर जिले के डीसी को यहाँ गिलगित बल्तिस्तान हवाले है और उनकी हुकूमत इस वक्त चल रही है। गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त बिल्कुल अफरा तफरी का समा है। जंगल का कानून यहाँ राज है, जंगल का कानून, तो बिल्कुल हम लोग मायूस हो चुके हैं। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बदउनवानी का आलम यह है कि लोगों को भले ही राशन मिले या ना मिले, लेकिन हुकूमत, पुलिस, इंतजामिया और माफिया की साठगांठ से मनशियात हर जगह आसानी से मिल रहा है। यहाँ लोगों की मुफलिसी का आलम यह है कि कई दिनों तक छोटे छोटे बच्चों के साथ पूरा कुनबा फाका कशी करने पर मजबूर हैं। महंगा आटा खरीदने पर मजबूर लोगों को सड़ा गला और नाकिस किस्म का सामान सप्लाई किया जा रहा है। ना अहल पॉलिसियों के चलते मकामी लोगों के पास ना ही मुलाजमत के मौके हैं और ना ही ठीक से रोजी रोजगार चलाने का कोई जरिया है। मैं तो ये कहूँगा कि अफ्यूम और चर्स आसानी से मार्केट में दस्तियाब है, आटा नहीं मिल रहा है, बिल्कुल गरीब रुल गए हैं। ये हालत भी हमारे आसपास में पड़ोस में ये हालत भी पैदा हो चुकी है कि लोगों के बच्चे भूखे सो रहे हैं। ये हालत मेरे आंखों के सामने है।
उनके फट इतने नहीं के साथ 8,000 को वो ठीक नहीं गन्ना वो क्या नाम आटा खरीद सके एक मन का ना, उनको कोई बाहर ठीक कि नहीं वो क्या नाम कर्जा देने के लिए तैयार है दुकानदार, और ना उनको कोई मजदूरी मिल रही है, तो वहाँ जाए तो किधर जाए। और हुक्मरानों का ये हालत, और ऊपर से ये आलम है कि सितम जरफी है कि गली सड़ी गंदम यहाँ भेज रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान के बाजारों में जिस भी जरूरी सामान पर हाथ रख दो उसके दाम तो मानो आसमान से बातें करते नजर आते हैं। सियासतदानों की बेहिसी के चलते लोगों की खरीदो कुव्वत को भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर दिया गया है, लेकिन जब बात हुक्मरानों को मिलने वाले मरात और फायदों की हो तो इसमें किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जाती। अवाम की ओर से अपने देरीना मसाइल को हल करने के लिए पूछे जाने वाले सवालों को ओहदेदारान बड़ी ही सफाई से बहाना मार कर टाल देते हैं। हमारे हुक्मरान बिल्कुल, उनका तो मामला चल रहे हैं, उनके प्रोटोकॉल, उनके फ्यूल, उनके तनख्वाहें डबल ट्रिपल हो गई। अब वो उस दिन हमारा मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन कह रहा था कि हमारे पास तनख्वाहें नहीं है, और वज्राला कह रहे कि हमारे पास जहर खाने के पैसे नहीं है। तो जहर खाने के पैसे नहीं है तो तुम्हारा तनख्वाह ट्रिपल किस तरह हो गई? जहर खाने के पैसे नहीं है तो आपने 10-10 गाड़ियों के जो प्रोटोकॉल लेकर जमान पार्क में पेशियों पे जो उस कंबा खान के ठीक कि नहीं के पेशियों में आए तो 10-10 गाड़ियां गिलगित बल्तिस्तान की गाड़ियों पे ठीक लटके जाकर ठीक कि नहीं वहां अदालतों पे हमले कर रहे हैं, जुडिशियल कम्प्लेक्स में ठीक नहीं शीशे तोड़ दिए गए गिलगित बल्तिस्तान के लड़के, वहां के लिए तुम्हारे पास पैसे है, वहां के लिए ठीक नहीं जमान पार्क की चौकीदारी के लिए आपके पास सब कुछ है, और गिलगित बल्तिस्तान के आवाम पर खर्च करने के लिए आपके पास जहर खाने के पैसे भी नहीं है। कहने को गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत पर मेहदी शाह, शेर जहां मीर, हाफिज हफीजुर रहमान, मीर अफजल और अब खालिद खुर्शीद काबिज हो चुके हैं, लेकिन यहां आवाम को दरपेश मसाइल का अजाला बेहद टेढ़ी खीर है, जैसा कि यहां अब तक होता आया है। वही सब बार बार दोहराया जा रहा है। भले ही गिलगित बल्तिस्तान में हुक्मरानों के पास लोगों की मदद के लिए वक्त बिल्कुल ना हो, लेकिन इस्लामाबाद में अपने सियासी आकाओं की जी हजूरी करने के लिए इनके पास वक्त की कमी नहीं रहती। ऐसे में मकामी अवाम हर छोटे बड़े मसले मसाइल के लिए सरापा एहतजाज रहते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की ढेरों मुश्किलात देखने के बाद एक बार फिर से लौटते हैं जम्मू कश्मीर। यहाँ के मुख्तलिफ देही इलाकों में काश्तकारी को मुनाफा बख्श बनाने के लिए नामियाती काश्तकारी के चलन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए बड़ी तादाद में काश्तकारों को ऑर्गेनिक फार्मिंग की जानिब रागिब किया जा रहा है। इसमें जिला राजौरी के मुख्तलिफ देही इलाके भी शामिल है। राजौरी के 5 सब डिविजन्स के क्लाइमेट में भी डायवर्सिटी पाई जाती है। ये बेहतर नामियाती काश्तकारी के लिहाज से काफी मुफीद है। इसका फायदा उठाते हुए मकामी लोग अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। पेश है हमारी रिपोर्ट। काश्तकारी को मौजूदा वक्त की मॉडर्न फार्मिंग की जानिब ले जाने के लिए महकमाए ज़राअत और बागवानी महकमों की जानिब से ऑर्गेनिक फार्मिंग पर भरपूर तरजीह दी जा रही है। इसकी मिसाल जिला राजौरी के मुख्तलिफ देही इलाकों से दिखाई दे रही है, जहां मुतालिका महकमों के अफसरों और अहलकारों की मदद से बड़े पैमाने पर मकामी काश्तकारों से नामियाती काश्तकारी करवाई जा रही है। इस सिमत में मुख्तलिफ अहम तरीन मंसूबों के तहत नामियाती काश्तकारी से वाबस्ता लोगों की हर मुमकिन मदद की जा रही है। गिजाइयत से भरपूर इन जरई पैदावार की अच्छे दामों पर बिक्री से मकामी नौजवान न सिर्फ खेतीबाड़ी को बेहतर करियर ऑप्शन मान रहे हैं, बल्कि इसमें मुस्बत तब्दीलियों के लिए पुरजोर तरीके से कोशां भी हैं। मैंने भी MSc बीएड की हुई है, और मैं ये चाहता हूँ कि ज्यादा या यूथ जो है वो एग्रीकल्चर की तरफ आए, ताकि जो है हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें। हर टाइम जो है हम लोगों के पे डिपेंड नहीं हो सकते, इसलिए हमको इंडिपेंडेंट काम करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो सब्जी देख रहे हैं आप पीछे, सारी हम सभी ऑर्गेनिक सब्जी लगाते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो है वर्मी कंपोस्ट के 2-3 यूनिट भी हैं घर पे लगे हुए। जैसे डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर वाले, हार्टिकल्चर वाले, सभी डिपार्टमेंट वाले अच्छी सपोर्ट कर रहे हैं। मॉडर्न लाइफस्टाइल में सेहतमंद खानपान को लेकर लोगों की तरजीह
ऐसे फूड्स प्रोडक्ट्स पर मरकूज है जो बगैर क्रीमियाई खादों के ऑर्गेनिक तरीके से तैयार होती हों। इसके लिए एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर महकमे की मदद से मकामी काश्तकार अब ज्यादा से ज्यादा साग सब्जियां नामियाती तरीके से उगा रहे हैं। काबिले गौर है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग से मिल रहे मुनाफे की वजह से काश्तकार के हौसले काफी बुलंद हैं और वो इस काम को और भी आगे बढ़ाने की बात कह रहे हैं। जी हमारा जो भी प्रोडक्ट है ना, इसमें 80-90% हम इसको ऑर्गेनिक ही इस्तेमाल करते हैं। कुछ केमिकल करने पड़ते हैं क्योंकि जब ज्यादा कोई इंसेक्टिसाइड करना पड़ता है, नहीं तो हम नहीं करते हैं। ज्यादातर हम ऐसे ही अपने घर की खाद बनाई हुई है, आपने देखा होगा इधर जो हमने ड्रम में रखी हुई है बेस्ट डीकम्पोजर वगैरह, उसी का हम इस्तेमाल करते हैं। गौमूत्र का इस्तेमाल करते हैं, पत्थरों की खाद का इस्तेमाल करते हैं, बर्मी कम्पोज का यूनिट अपना लगाया हुआ है तो ये उसी को यूज करते हैं। राजौरी के देही इलाकों में नामियाती काश्तकारी के चलन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए महकमाए ज़राअत की ओर से लोगों के पास फील्ड ऑफिसर के जरिए वक्तन फवक्तन खेती बाड़ी के जरूरी मालूमात दस्तयाब करवाने से लेकर मुख्तलिफ कौमी मंसूबों के तहत माली इमदाद मुहैया करवाने तक के इकदामात उठाए जा रहे हैं। हमारा जो स्टाफ है वो फील्ड में हर गांव में अवेलेबल है, वो लोगों से हर टाइम पे, जब सोइंग टाइम है या कोई क्रॉप में कोई हार्वेस्टिंग टाइम है या कोई थ्रेशिंग टाइम है या जब कहीं कोई बीमारी आती है, तो किसानों को हम ऑन स्पॉट वहीं पे फील्ड में ही लोगों को इन्फॉर्मेशन देता है हमारा स्टाफ। इसके अलावा हमने जो अभी एक मशरूम कल्टिवेशन है उसके अंदर भी काफ़ी यूथ्स को इंगेज किया है। इसके अलावा हम कुछ थोड़े दिन के बाद एक प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं जिसे अर्बन एग्रीकल्चर के नाम से हम ग्रो बैग्स के अंदर जो छत पे कुछ लेवल की जो खेती है वो शुरू करने वाले हैं। राजौरी के साथ साथ जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ देही इलाकों में ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात की जाए तो पहले जरई पैदावार बढ़ाने के लिए काश्तकार केमिकल्स का इस्तेमाल करते थे। इससे जमीन की पैदावार बढ़ाने वाली कुव्वत और खुर्दनी अशिया की क्वालिटी पर असर पड़ता था, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग से जहां एक तरफ खेतीबाड़ी में सुधार लाया गया है तो वहीं दूसरी जानिब मकामी काश्तकारों की आमदनी में इजाफा करते हुए इनकी जिंदगी में बेहतरी आ रही है। नाज़रीन इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज़।